1 अप्रैल को इंदौर में 56 दुकान पर मिलेट्स मेले का आयोजन किया जाएगा। मेले की तैयारी को लेकर दिल्ली से फूड सेफ्टी की टीम के साथ ही भोपाल से खाद्य सुरक्षा के अधिकारियों ने 56 दुकान बाजार का दौरा किया। आयोजन में मिलेट्स वॉक भी होगी। देखिए ये खास रिपोर्ट। यूनाइटेड नेशन ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित किया है। इसे देखते हुए भारत में केंद्र और राज्य सरकारों के माध्यम से विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं ताकि मिलेट्स को बढ़ावा दिया जा सके। इसी कड़ी में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के माध्यम से इंदौर में 1 अप्रैल को विशेष मिलेट्स मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले की तैयारी को लेकर गुरुवार को दिल्ली से फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों के साथ ही मध्य प्रदेश खाद्य सुरक्षा विभाग की डिप्टी कंट्रोलर अजीजा सरसार जफर इंदौर पहुंची। विभाग के स्थानीय अधिकारियों के साथ दिल्ली और भोपाल से आए अधिकारियों ने मेले की तैयारियों के लिए स्थान का चयन करने के साथ ही अन्य व्यवस्थाओं पर चर्चा की। दिल्ली से आई मेघा हंडा और खाद्य विभाग की डिप्टी कंट्रोलर अजीजा जफर ने आयोजन के बारे में जानकारी दी। सर, हम सब जानते हैं कि दिस ईयर इज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स और हमारे श्री प्रधानमंत्री जी का इतना क्लोज टॉपिक है, तो उसी को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम एक मास मूवमेंट क्रिएट करना चाह रहे हैं जिसमें वी विल हैव अ वॉकथॉन, मिलेट्स वॉकथॉन, जो सुबह 7 बजे से शुरू होगी। एंड अब देखिएगा उसमें काफ़ी इंदौर की पार्टिसिपेशन रहेगी। फिर हम ये यहाँ पे कल्मिनेशन सेरेमनी करेंगे और एक मेला लगाएंगे, मिलेट्स मेला, जिसमें जितने भी लोग मध्य प्रदेश में मिलेट्स के अराउंड काम कर रहे हैं, अपना सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, कुछ स्टार्टअप्स हैं और जिन्होंने भी मिलेट्स में काम किया है, वो शोकेस करेंगे। तो एक मौका उन्हें दिया जाएगा, जब तक लोगों को पता नहीं चलेगा कि क्या प्रोडक्ट्स हैं, उनका टेस्ट कैसा है, कैसे उसे खरीदा जा सकता है। तो ये एक छोटा सा एक इनिशिएटिव है जिसमें इन सब चीज़ों को इकट्ठे किया जाता है। तो ये अभी एक दिन का प्रयास है एंड लेट्स सी, अगर हमें अच्छा रिस्पांस मिला तो हम इसको और ज़्यादा करेंगे। तो फिलहाल एक पब्लिक पार्टनरशिप में भी कर रहे हैं, मतलब हमारे पास यहाँ पे सो ये FSSAI एंड यहाँ के हमारे जो लोकल MCD हैं, वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। प्लस इसको सपोर्ट किया जा रहा है न्यूट्रलाइट बाय एमवे में, वो इनको की स्पॉन्सर कर रहे हैं। तो इस तरीके का एक इनिशिएटिव है जिसमें काफ़ी लोग जुड़ेंगे, काफ़ी पब्लिक पार्टनरशिप्स भी आपको दिखाई देंगी, जो लोग मिलेट्स के अराउंड काम कर रहे हैं वो सब इकट्ठे होके मिलेंगे इसमें। जी जी बिल्कुल, वी हैव बिकॉज इंटरनेशनली ये इतना बड़ा टॉपिक हो चुका है कि अब काफ़ी लोग हैं, काफ़ी कीनोट्स हैं, काफ़ी एक्सपर्ट टॉक्स है और आप देखिएगा कि काफ़ी एक डायलॉग और नरेटिव अराउंड मिलेट्स इस पर रहेगा, जिसमें फॉरेन डेलीगेट्स हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, वी हैव संग्राम जी जो आ रहे हैं इसका की मैसेज देने के लिए एंड लॉट ऑफ थिंग्स। ये ईट राइट मिलेट्स डे रहेगा इंदौर में 1 अप्रैल को। तो इंटरनेशनल डे, इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट्स घोषित किया है 2023 को UN ने, तो उसी के तत्वावधान में FSSAI और लोकल फूड सुरक्षा जो प्रशासन है वो मिलकर 1 अप्रैल को ये आयोजन कर रहे हैं, जिसमें एक वॉकथॉन रहेगा मॉर्निंग में और उसके बाद में मिलेट्स मेला के रूप में यहाँ जो 56 दुकानें हैं वहाँ पे मिलेट्स से बनी हुई अलग कई तरह की जो वैरायटीज है उसको डिस्प्ले किया जाएगा। 56 दुकानें तो हैं ही, उसके अलावा बाकी जो दूसरे हमारे पार्टनर्स हैं, होटल्स हैं, उन सबको भी हम इनवाइट करेंगे। तो कोशिश ये कर रहे हैं कि इवेंट में ज्यादा से ज्यादा से लोग पार्टिसिपेट करें। 56 दुकान पर यह मेला आयोजित होगा, ऐसे में बाजार के कुछ व्यापारी भी मिलेट से बने खाद्य पदार्थ बनाएंगे। मिलेट्स मेला लग रहा है वो प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुसार मिलेट्स के तहत लग रहा है और उसमें 56 दुकान व्यापारी एसोसिएशन का पूर्ण रूप से सहयोग है। हम खुद चाहते हैं कि मिलेट्स को प्रमोशन किया जाए। 1 अप्रैल को यहाँ पर ये मेला लगेगा, सुबह वॉकथन होगी, शाम को कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम है और उसके साथ में मिलेट्स के जितने भी यहाँ के जो गृहणियाँ हैं और जो मिलेट्स के बनाने वाले जो भी स्टॉल हैं वो स्टॉल लगेंगे, हमारा पूरी तरीके से सहयोग है। इसमें हमारा भी पार्टिसिपेशन होगा। कुछ आउटलेट्स ऐसे हैं जो मिलेट्स की रेसिपी को बना सकते हैं, जैसे सैंडविचेस हैं, कुछ मिलेट्स के और प्रिपरेशंस हैं, वो लोग हम भी तैयार करेंगे और उसकी हैंडी को हम भी लगाएंगे, क्योंकि ये जो मंशा है पूरे विश्व में प्रधानमंत्री जी की मंशा है कि मिलेट्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभदायक है।
हम ये मानते हैं कि पहले ही इन सब चीज़ों का उपयोग कर लिया जाए जिससे कि दवाइयों तक में पहुंचने की जरूरत न पड़े। 1 अप्रैल को आयोजित होने वाले इस मेले में देश विदेश से प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। मिलेट्स पर परिचर्चा में भी रखी गई है मिलेट्स पर परिचर्चा भी रखी गई है ब्यूरो रिपोर्ट एमपी न्यूज इंदौर।